गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मैटरनिटी के कुछ ड्रेसेस, कुछ बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस आई हैं। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी हैं और ऑलमोस्ट 1000 के अंडर में ही है, 1200 के अंडर में ही है ये सारी ड्रेसेस और काफ़ी अच्छी हैं ये ड्रेसेस। मुझे कुछ अच्छी लगी, कुछ नहीं अच्छी लगी, सो मैं वही बताऊँगी अब आपको। फर्स्ट ड्रेस है नियॉन कलर की, इसमें ये जो ट्यूनिक मैंने पहन रखी है बहुत प्यारी सी ड्रेस थी ये और कॉटन की ड्रेस थी, मतलब विस्कॉस रियॉन कलर। और ये भी बहुत चीप रेट में 500 समथिंग की कुछ थी ड्रेस और बड़ी अच्छी लग रही थी मेरे को। कॉटन की मतलब मैटरनिटी में यू फील लाइक वेरी कंफर्टेबल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हो आप, तो ये अच्छी थी और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बाकी भी ले सकते हैं। और ये मिंत्रा से ऑर्डर करी थी मैंने और मिंत्रा का मैं आपको प्रोडक्ट दे दूँगी, लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सेकेंड मैंने ऑर्डर करी है दिस ड्रेस, ये रेड कलर का भी, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा एथनिक फॉर्म में था और एथनिक फॉर्म में जब होती है कोई भी ड्रेस तो आप कहीं पे भी वेयर कर सकते हो। कहीं मंदिर जा रहे हो, किसी सत्संग में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो तो आप वहाँ पे पहन सकते हो। ये भी बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था इसका, बहुत अच्छी लग रही थी ये भी, तो ये भी आप ले सकते हैं। और ये भी कम से 500-600 की रेंज में ही थी, तो ये भी बहुत इजीली आप मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो रिकमेंडेड फॉर द मैटरनिटी, फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स, फॉर द अपकमिंग मदर्स जो मदर्स बनने वाली हैं। सो थर्ड वन जो मैंने ऑर्डर करी है वो ये वाली ड्रेस है जो मैंने अभी आपको दिखाई मिंत्रा से। एंड दिस वन इज़ लाइक कि जिसका स्टेप है वो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने इसको रिटर्न मांग ली। और ये जो स्टेप था इसमें मतलब लाइक प्रॉपर वो कंधे पे बैठ ही नहीं रहा था, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता था। बाकी फैब्रिक सुपर फाइन, बहुत अच्छा था फैब्रिक, सॉफ्ट था तो कोई इशू नहीं था। बाकी सब कुछ बढ़िया लग रहा था लुक वाइज एंड ऑल, बट बाकी मतलब लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट फिटिंग एंड ऑल, तो फिटिंग थोड़ा सा ढीला सा था, या तो अगर आप सिलवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग तो आप सिलवा लो और फिर ले सकते हो, तो ये चीज़ इस ड्रेस में देखी मैंने। सो फोर्थ ड्रेस आती है मेरी दिस वन जो मैंने अभी आपको दिखाई। दिस वन इज़ लाइक कि इसमें मेरा क्या था इशूज़, इसमें नेक पे भी इलास्टिक था तो वो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था कि भाई मुझे नहीं चाहिए। मुझे मतलब यहाँ ठीक है, मतलब कमर पे ठीक है इलास्टिक, बट मुझे नेक पे आई कैन नॉट टॉलरेट, ऐसा लगता ब्रीथेबल ही नहीं है, तो ये वाला भी मैं रिटर्न मारूंगी। ओके, बाकी लुक वाइज इट्स नाइस, इट्स मतलब लाइक यू कैन गो एनीवेयर इन द मॉल एंड ऑल, बाकी सब कुछ ठीक था। बट द थिंग इज कि मैं ये रख नहीं सकती क्योंकि मेरे को नेक में इशूज हो रहे थे, इसीलिए मैंने ये तो नहीं रखा। और अगेन नाउ फिफ्थ वन इज़ दिस वन। दिस वन इज़ लाइक कि बहुत प्यारी ड्रेस थी, इसमें कट दे रखा है लेग्स के आसपास, तो दो कट दे रखे हैं तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे ऊपर इसमें इलास्टिक लगा हुआ है जो कि बहुत प्यारा सा फिटिंग हुई हुई थी और नीचे से बिल्कुल फेरी सा बहुत सुंदर सा लग रहा था, तो ये तो मैंने डेफिनेटली रखा है और ये बहुत अच्छा है। मतलब यू कैन ऑल्सो परचेज फ्रॉम द मिंत्रा, मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो दिस इज रिकमेंडेड। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ये ऑर्डर किया था मैंने और ये भी बहुत अच्छा था। लाइक मतलब लाइक इसमें थोड़ा सा मेरे शोल्डर साइड था, मैंने बड़ा साइज़ मंगवा लिया इसका, बट ये बहुत लाइक हवाई जो होता है ना, मैं तो हवाई हूँ, तो ये ऐसा फील दिखा रहा था। मतलब बढ़िया था, मतलब लाइक खुला खुला सा हवा जा रही अंदर, बहुत कंफर्टेबल, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये डेफिनेटली कैन परचेज। और बहुत अच्छा था ये, और थोड़ा सा जो इसमें प्रिंटिंग हुई थी हाथी की वो बहुत सुंदर लग रही थी, तो आई जस्ट लव दिस। और ये मेरे ऊपर लुक भी बड़ा प्यारा आ रहा था, आप देख सकते हो इसमें फोटोज एंड और वीडियोज़ मैंने क्लिक कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सो नेक्स्ट आता है मेरा, जो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था वो मॉम टू बी से किया था। तो मॉम टू बी से ये जो ड्रेस आई थी ये भी बहुत सॉफ्ट सी थी और फैब्रिक भी सॉफ्ट था, कॉटन की ड्रेस थी, रेयॉन कॉटन है, ये मिक्स मंगवाए थे मैंने, तो सारे मतलब इस टाइम हमें पॉलिस्टर नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इचिंग होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैंने ये मंगवाया था। और ये वाला भी बड़ा सूथिंग सा, मतलब लाइक इसमें ज़िप भी लगी हुई थी, तो ज़िप भी है इसमें और फीडिंग के लिए भी आपको काम आएगा, तो ये भी बहुत अच्छा था। तो ये वाला भी बहुत बढ़िया सा था। आप देख सकते हैं कि इसका भी लुक बहुत प्यारा लग रहा है, नी तक प्लेन थी। और यू कैन लाइक वेयर एनी वेयर, यू इफ़ यू आर गोइंग समवेयर आउट तो यू कैन वेयर। सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक प्यारा सा क्यूट सा। ये मॉम टू बी से मंगवाया था तो अच्छा था ये, लेकिन थोड़ा सा बहुत लाइट कलर था तो इसलिए मैं मन कर रहा है कि मैं इसको वापस रिटर्न मारूँ। सो आप सजेस्ट करें कि मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय। आप कमेंट करें कि कौन सी वीडियो आप चाहते हैं न्यू, किस टॉपिक के साथ। बाय।